अगर आपका सवाल है कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे होते हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक करने के फायदों के बारे में, यानी कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल यानी कि 3 ईयर्स में कम्प्लीट होता है। इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने में कम्प्लीट होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक करने के फायदों के बारे में। आज की इस वीडियो में 10 फायदे हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं उन फायदों के बारे में। नंबर 1, पॉलिटेक्निक कोर्स कम समय में कम्प्लीट हो जाता है। पॉलिटेक्निक कोर्स बीटेक और बीई के अपेक्षा कम समय में कम्प्लीट हो जाता है। बिकॉज बीटेक और बीई 4 साल में कम्प्लीट होते हैं और डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक 2 से 3 साल में कम्प्लीट हो जाता है। अगर आप इसे 10th की बात करते हैं तो 3 साल में, अगर आप इसे 12th लेटरल एंट्री से करते हैं तो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री लेते हैं तो पॉलिटेक्निक 2 साल का हो जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग में कम समय में करियर बनाना चाहते हैं तो डिप्लोमा आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में थ्योरेटिकल नॉलेज की अपेक्षा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डिप्लोमा में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज की अपेक्षा। नंबर 3, बीटेक की अपेक्षा पॉलिटेक्निक कोर्स की फीस कम होती है। ये सही बात है, जो पॉलिटेक्निक कोर्स की फीस है वो बीटेक की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। नंबर 4, पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आफ्टर पॉलिटेक्निक आप बीटेक में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। अगर आप लेटरल एंट्री लेते हैं तो बीटेक 3 साल में कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। नंबर 5, पॉलिटेक्निक आप मिनिमम 10th के बाद कर सकते हैं, बट बीटेक करने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। नंबर 6, पॉलिटेक्निक के बाद आपको जॉब जल्दी मिल जाता है। नंबर 7, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक आसानी से कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज बीटेक के कुछ सब्जेक्ट आप पॉलिटेक्निक में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, इसलिए बीटेक करने में कोई परेशानी नहीं होती है जब आप पॉलिटेक्निक ऑलरेडी कर चुके होते हैं तब, ठीक है। तो एक ये फ़ायदा हो सकता है। नंबर 8, पॉलिटेक्निक के बाद आप SSC JEE के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर पॉलिटेक्निक, अगर आपने पॉलिटेक्निक मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से कम्प्लीट किया है तो, ठीक है। नंबर 9, पॉलिटेक्निक के बाद आपको टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, बिकॉज पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है। नंबर 10, पॉलिटेक्निक के बाद आपको बिजनेस करने का ऑप्शन मिल जाता है और बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बिजनेस भी कर सकते हैं, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी कर सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आप तक सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी वीडियो देख पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।